सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में पालक पनीर किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं पालक पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो पालक, जिसे मैंने अच्छे से धो करके साफ किया। इसके बाद इसे बॉयल कर लिया है। पालक को मैंने कैसे बॉयल किया है ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगी। साथ ही मैंने लिया है दो बड़े प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और इसे इस तरीके से चॉप किया है। दो बड़े टमाटर, इसे भी मैंने धोकर बारीक काटा है। 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट किया है। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हो और या इस तरीके से स्ट्रिप्स में भी इसे कट कर सकते हो, शेप आपके ऊपर डिपेंड करती है। मसालों में मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 हरी मिर्चें, जिसे हम क्रश करके यूज़ करेंगे। मैं हमेशा पालक पनीर में पनीर को फ्राई करके यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। अगर आपको फ्राइड पनीर अच्छा नहीं लगता हो तो आप कच्चा पनीर भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम पनीर को करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज़ करा है, आप रिफाइंड ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हो। तेल में जो झाग है वो अच्छे से खत्म हो जानी चाहिए। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें झाग भी खत्म हो चुकी है। फ्लेम को मैंने 2 मिनट के लिए ऑफ किया ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अब मैं इसमें पनीर के पीसेज ऐड कर रही हूँ। मीडियम गर्म तेल में हमें पनीर को फ्राई करना होता है और इसे हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसे फ्राई करना है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। तो बस इस तरीके से हाई फ्लेम पे मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। पनीर अब फ्राई हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, बस इसका कच्चापन ही मैंने दूर किया है। इस तरीके से जब बिल्कुल मामूली सा पनीर का कलर चेंज होना स्टार्ट हो, उसी स्टेज पे आप इसे निकाल लें। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने पालक को कैसे बॉईल किया था। तो यहाँ पे मैंने 1/2 किलो साफ की हुई पालक ली है, साथ ही लिया है नमक। कुकर में मैंने ले लिया है 2 कप पानी, 1.5 से 2 कप आप पानी लें। इसमें ये साफ की हुई पालक डालें और साथ ही 1/2 छोटा चम्मच नमक। मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी ये धुली हुई पालक। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटियां आने तक हमें बॉईल करना है ताकि पालक बिल्कुल अच्छे से गल जाए। जब तक कुकर में सीटियां लगती है हम वेट करते हैं। कुकर में सीटियां लग गई थी, मैंने पालक को रिमूव कर लिया है। अब वापस से मैंने कुकर में डाल दिया 1 करंची रिफाइंड ऑयल। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जीरा भी अच्छे से क्रैकल हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 2 मिनट मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक करूंगी, फिर मैं फ्लेम को कर दूंगी लो। अभी आप देख सकते हैं फ्लेम हाई है। 2 मिनट हो गया है। अब मैंने फ्लेम को किया है मीडियम हाई। अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से गोल्डन होने तक पकाऊंगी। देख सकते हैं आप, प्याज बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इतना ही प्याज को आपको भी कुक करना है, इससे ज़्यादा आप इसे ना पकाएं। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि प्याज जले नहीं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 चम्मच पानी ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाए। साथ ही मैं डालूंगी कटे हुए टमाटर और सभी सूखे मसाले। नमक हमने पालक को बॉयल करते टाइम भी डाला है, तो यहाँ पे अब हम बहुत ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और क्रश की हुई अदरक और लहसुन। मैंने इन दोनों को अदरक कूटने वाले में अलग अलग क्रश करके रखा था, साथ ही 2 तेज पत्ते और क्रश की हुई हरी मिर्च। अब हमें इसे तब तक लो फ्लेम पे कुक करना है जब तक सब कुछ बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, यानी कि प्याज टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए और यहाँ पे इसकी चटनी सी फॉर्म ना हो जाए। तब तक हम इसे लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे।
पानी मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 2 चम्मच पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकाऊंगी। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और यहाँ पे इसकी चटनी सी फॉर्म हो गई है। तो हम कड़छी के बैक साइड से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। मसाले ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। जब मसाले से ऑयल सेपरेट हो जाए और इस तरीके से प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से गल जाए तो बस आप इसे कड़छी से अच्छे से मैश कर लें। सब कुछ अच्छे से मैश हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी बॉयल की हुई पालक। तो पहले हमें पानी नहीं डालना, सिर्फ पालक को निकाल के मैं यहाँ पे मसाले में ऐड कर रही हूँ। फ्लेम अभी भी है लो। ये जो पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम यूज करेंगे। इसे मैं अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लूंगी। बस इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिला लेना है और 1 मिनट तक इसे इसी तरीके से कुक करना है। बहुत ज़्यादा देर हमें इसे कुक नहीं करना। 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये पानी जिसमें हमने पालक को बॉयल किया था, वही पानी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कड़छी में ये पानी डाल दूंगी और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटियाँ लगवा दूंगी ताकि प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से गल जाए। कुकर में 3 सीटियाँ लग गई, फ्लेम को मैंने ऑफ किया है, उसका प्रेशर भी आप देख सकते हैं रिलीज़ हो चुका है। अब मैं इसे दाल घुटने से अच्छे से मैश करूंगी ताकि प्याज टमाटर कुछ भी अलग से पता ना चले, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो मिक्सर ग्राइंडर में पालक को ग्राइंड करके पालक पनीर बनाते हैं, बट दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक बार इस तरीके से रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए दाल घुटने से सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्राई किया हुआ पनीर, लेकिन पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो इसमें जो हमने तेज पत्ते डाले थे वो हम रिमूव कर लेंगे और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मैश हुआ है, कुछ भी अलग से पता नहीं चल रहा। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्राई किया हुआ पनीर और कुकर का ढक्कन वापस से बंद करके इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी और लगवाऊंगी। अगर आप कच्चा पनीर ऐड करेंगे तो आपको कुकर में सीटी लगवाने की नीड नहीं है। ये देखिए कुकर में सीटी लग गई है। अब इसका प्रेशर निकलने तक वेट करते हैं। कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है, सब्जी में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है जो ऑयल हमने इसमें डाला था। पालक पनीर बनके बिल्कुल रेडी है। अगर दोस्तों आप कच्चा पनीर यूज़ करेंगे इसमें तो आपको सीटी लगवाने की में नीड नहीं है, बस आप इसमें पनीर ऐड करें, पालक को मैश करने के बाद आप इसमें पनीर को ऐड करें और उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 बॉयल दिलवा दें तो आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है पालक पनीर को सर्विंग बोल में। अब मैं इसमें डालूंगी बटर, क्योंकि अभी यह कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी इसकी प्रेजेंटेशन बाकी है। बटर डालने से पालक पनीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो मैं यहाँ पे बटर ऐड करूँगी। तकरीबन 50 ग्राम बटर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी और अब मैं इसे गार्निश करूँगी ग्रेटेड पनीर से। अब हमारा पालक पनीर खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आप चावल रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।